हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। प्रीवियस हमने पढ़ा था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ में हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास स्क्रू रूल, सेकेंड है हमारे पास राइट हैंड पाल्म रूल। ओके, तो हमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्रू रूल के बारे में। ठीक है, स्क्रू रूल क्या होता है? स्क्रू रूल होता है बच्चे, जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं किस तरह से, कि जो एक हम क्या लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं। ये हमारे पास कंडक्टर है ए बी, करंट फ्लो हो रहा है ए टू बी। ओके, और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, या फिर इनवर्ट डायरेक्शन या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन। तो किस तरह से सॉल्व करना है, जो हमारे पास, मैं ये यूज कर रही हूँ स्क्रू के प्लेस पे मार्कर है, और इस मार्कर को किधर रखना है, इस करंट की डायरेक्शन में रखना है, इस तरह से। ओके, अब इस स्क्रू को, जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से टाइट करना है। ओके, अब ये देखो, जैसे इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से, ऐसे देखो मेरे हैंड की तरफ, इस तरह से। ओके, तो जो ये मेरे पास फिंगर्स हैं, इस पॉइंट पर किधर जा रही है, ऐसे अंदर की तरफ, और इधर वाला पॉइंट आएगा हमारे पास किधर आ रही है, बाहर की तरफ। तो दोबारा से देख लो, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ऐसे। ओके, तो इस पॉइंट पर जब वो निकलेगी हमारे पास इस तरह से, कैसे आएगी, इनवर्ड, कैसे आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। और यदि हम इधर ले क्यू पॉइंट पे, तो कैसे आ जाएगी हमारे पास, आउटवर्ड। क्लियर? अब है हमारे पास सेकंड राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे हम, राइट हैंड, राइट हैंड, ये मेरे पास, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, और ये हमने लिया एक कंडक्टर एक्स वाई। इस वाले कंडक्टर पर, इस पॉइंट क्यू पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमने करंट एलिमेंट ले लिया डीएल, और आपको पता है कि जो थीटा एंगल होता है वो डिस्टेंस और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल बनाता है। ओके, तो हमें क्या करना है इसमें, कि जो मेरे पास राइट हैंड का थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है, लाइक दिस, कि इधर करंट मेरे पास कहाँ जा रहा है, इस तरह से एक्स टू वाई अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में ऐसे, और फिंगर्स को इस तरह से रखना है, जो पोजीशन वेक्टर के अलाउ, ऐसे, इस तरह से। अब फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करेगी ऐसे। तो कर्ल करने पर फिंगर्स किधर जा रही है, किधर साइड मुड़ रही है मेरे पास फिंगर्स, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है। ओके, अब सिमिलरली इसी तरह से हम लेंगे, यहां पर कोई पी पॉइंट है, तो कैसे निकालोगे, अब किस तरह से रखोगे, पहले तो हमने इस तरह से रखा था, अब कैसे करना है, थंब को तो करंट की डायरेक्शन में रखना है, किस तरह से रखेंगे, ऐसे, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स ऐसे, और ये फिंगर्स किधर आ रही है मेरे पास, कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ। ओके, मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ का मतलब इनवर्ड, देखो इस तरह से, ऐसे। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर क्या से आएगी मेरे पास, आउटवर्ड। आई होप आपको ये डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की आपको पता चल गया होगा। और इसी तरह की सीरीज के लिए आप मेरे को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, और नीचे यहाँ पर एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करो, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू।